आफताब से कल करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में वो कभी पीछे नहीं रहा। उसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि उसे एक जुर्म को अंजाम देने पर कोई पछतावा है। वो सवालों के जवाब डालने की लगातार कोशिश कर रहा है और जवाब देता भी है तो एक या फिर दो लाइन में, कई बार मुस्कुराता भी है। उससे पूछा गया कि तुमने दृश्यम फिल्म देखी है, तो उसने हंसकर कहा कि अब तो टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक आफताब को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो नर्वस है, वो रिलैक्स लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज उसकी नॉर्मल लग रही थी। आफताब ने हिंदी में पूछे कुछ सवालों के अंग्रेजी में जवाब दिए। उसने ज्यादातर सवालों के एक दो लाइन में जवाब दिए। कई सवालों पर वो बस मुस्कुराता रहा। आफताब से पूछा गया, क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी है, तो उसका जवाब था, अब तो दृश्यम 2 आ गई। कई सवालों के जवाब में उसने बस इतना कहा कि उसे याद नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट में जब आफताब से सवाल पूछे जा रहे थे तो हिंदी में पूछे गए सवालों का जवाब उसने इंग्लिश में दिया। इसके अलावा हर सवाल का जवाब उसने एक या दो लाइन के हिसाब से ही दिया। बहुत ही सहज नजर आ रहा था। ये आमतौर पे नेचर वो अपनाता है जो बेहद शातिर अपराधी होता है, और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में एक दो दिन नहीं, वो तीसरे दिन भी उन्हीं सवालों के जवाब देता हुआ नजर आएगा जो उसने पहले और दूसरे दिन दिए। इसे इस आधार पर समझिए कि ये तमाम टेक्निक वो अपराधी अपनाते हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में गुमराह करना है। गुरुवार को आफताब से 8 घंटे तक सवाल जवाब का सेशन चला, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि इतना काफी नहीं। आज फिर उसे टेस्ट सेंटर लाया जाएगा, लेकिन इतना तो दिल्ली पुलिस भी समझ रही है कि इस बार उसका सामना एक बेहद शातिर अपराधी से है। वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक। हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा। सबसे पहले वरुण, आपका रुख करते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट और फिर नार्को टेस्ट, इस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने के लिए बेहद अहम, और अपने किए की सजा आफताब को अगर दिलानी है तो बहुत जरूरी होता है कि ये टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो और अहम सुराग तक पुलिस इनके बाद पहुंच सके। देखिए, निश्चित तौर पे अगर इंटरोगेशन को आगे बढ़ाना है, सबूतों को इकट्ठा करना है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल में तार टूटे हुए हैं, साक्ष्यों को जोड़ना बेहद जरूरी है। अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आफताब के अनुसार ही उनको इकट्ठा किया गया है, तो ऐसे में उस आदमी की थ्योरी पर कितना भरोसा किया जाए जो
छह महीने पहले कत्ल करता है, फिर उसी मुकाम में रहता है और छह महीने के अंतराल उसी के मकान से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो ये ऐसे में ये प्रोसेस आप समझिए कि वो बहुत ही शातिराना तरीके से अपनी बातों को बदल रहा है और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी बहुत ही सहज नजर आया। उसने जो सवाल उससे पूछे गए उसने बहुत ही आसानी से उसके जवाब दिए और शायद यही वजह है कि इंटेरोगेशन में भी लगातार जिस तरीके से अरविंद बता रहे थे कि इंटेरोगेशन में भी जब पुलिस उससे सवाल पूछती थी तो उसके चेहरे पर कहीं भी शिकन नजर नहीं आ रही, इसलिए वो जानता है कि किस तरीके से पुलिस को गुमराह करना है, कैसे पुलिस को अपनी बातों में उलझाना है। वरुण, यानी कि ऐसा लगता है कि वो पहले से तैयारी करके आएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आने वाले दिनों में मुझे ये झेलना पड़ सकता है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं। अरविंद, पॉलीग्राफी टेस्ट ठीक है दूसरी तरफ, लेकिन क्या सुराग इसके खिलाफ अब तक मिल रहे हैं? शरीर के अन्य हिस्सों को लगातार ढूंढा जा रहा है, वो कहां तक पहुंच रहे हैं, क्या क्या अब तक मिला है इसके खिलाफ? देखिए राजू, सबसे पहले बताऊं कि अभी पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट भी दिल्ली पुलिस को करवाना है। हालांकि आज पुलिस कस्टडी पूरी हो रही है, कल उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। 14 दिन का मिलता है पूछताछ के लिए अवधि, वो 14 दिन पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा। बहुत मुमकिन है कि उसे जेल से लाकर नार्को टेस्ट कराया जाए जिसके जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाए। अब तक अगर बात की जाए तो देखिए, ये वो जंगल है छतरपुर के, इन्हीं जंगलों से कई बॉडी के टुकड़े वो रिकवर किए जा चुके हैं जिनको CFSL लैब भेजा गया है। उसके अलावा जो आफ्ताब का फ्लैट है वहां बाथरूम जहां पर श्रद्धा के टुकड़े किए थे वहां से भी ब्लड स्टेन रिकवर किया है CFSL की टीम ने। तो इस तरह के कई एविडेंस। और देखिए एक चीज मैं और आपको बताऊं, आखिर क्यों उसका पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट कराया जा रहा? बहुत कुछ उसने बताया लेकिन बहुत कुछ वो बता नहीं रहा है। मसलन उसके इंटरनेट की जब हिस्ट्री खंगाली गई तो उसमें कई ऐसी चौंकाने वाली चीजें दिल्ली तो पुलिस को लगी। आप बता रहे हैं कि लगातार जांच चल रही है। अरविंद, आपका, वरुण आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।